हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका नेटवर्किंग में क्या क्या चीज आपकी हो गई है। यूनिट नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऑल दीज टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, वेबसाइट इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन ए वेबसाइट एंड वेब पेजेज, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेज, वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ ए वेबसाइट, ये सब मैंने कवर कर दिया हुआ है। और लास्ट के वीडियो में मैंने कवर किया हुआ था वेब ब्राउजर्स, इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स, ब्राउजर सेटिंग्स, ब्राउजर सेटिंग्स किस तरह से ब्राउजर को आप सेटिंग कर सकते हैं, इसको मैंने बोला हुआ था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेरी कॉन्सेप्ट नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। टू टॉपिक्स आर लेफ्ट, वन इज योर एडवांस एंड प्लगइन्स एंड वन इज योर कुकीज। सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू टॉपिक्स, एडवांस एंड प्लगइन्स, एडवांस एंड प्लगइन्स एंड कुकीज। और एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक अभी तक अपना एक भी वर्क होमवर्क सेंड नहीं किया हुआ है। मेनी स्टूडेंट्स आर देयर लाइक अब्दुल मलिक, शिवांश, शुभेंद्र, विनय ने तो सेंड किया हुआ है और आपका अभिषेक ने भी सेंड किया हुआ है। बहुत सारे मेरे पास लिस्ट है, तो आप लोग सीरियस हो जाइए और जो मैं वीडियो आपको सेंड करता हूँ उसको आप प्रॉपरली देखिए, अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई सिलेबस जो आपका है, जो आपका डिटेक्ट किया हुआ है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और अपने एक शॉर्ट में आप नोट्स बनाते जाइए उसका, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़े, शॉर्ट टाइम में आपका हो जाए। और जो जिन्होंने आज तक भी सेंड नहीं किया हुआ होमवर्क, उनको स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, अपना होमवर्क सेंड करना चालू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट आवर टूडेज क्लास, लेट्स स्टार्ट। एडवांस एक्सटेंशंस, देर आर टू टॉपिक्स योर टूडे। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, हाँ हियर, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं इसको, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वन मिनट। हाँ, एड वन एक्सटेंशंस एंड प्लगइन्स, फर्स्ट टॉपिक इज योर दिस। व्हाट आर द एडवांस एक्सटेंशंस? एडवांस आर टूल्स विच गेट इंटीग्रेटेड इनटू अवर ब्राउजर्स, दे आर सिमिलर टू रेगुलर ऐप और प्रोग्राम्स बट ओनली रन व्हेन द ब्राउजर्स रन। अब एडवांस एंड प्लगइन्स होते क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके क्या होते हैं, एडिशनल कुछ आपके प्रोग्राम्स होते हैं आपके, जो क्या होते हैं, हम सॉफ्टवेयर वो ब्राउजर्स की फीचर्स को क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ब्राउजर्स जो आप यूज कर रहे हो, आप कोई भी अगर आप नेट में आप वर्क करते हो तो उसके लिए आप कोई ना कोई ब्राउजर्स का यूज करते हो, तो ये एक्सटेंड कर देते हैं फीचर ऑफ एनी वेब ब्राउजर। एडवांस कैन अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेब कंटेंट। अब जैसे मान लो कोई सर्टेन टाइप का वेब कंटेंट है, उसको आप क्या है, अगर आपने एडवांस एक्सटेंशन या प्लगइन्स आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो कुछ अगर ऐसे आपके व्यूइंग कंटेंट होते हैं आपके जिनको आप नहीं देख पाओगे, तो अगर आपने क्या हुआ है, प्लगइन्स या एडवांस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने ब्राउजर के साथ, एड किया हुआ है उसको, तो वो आपके कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो एडवांस कैन अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेब कंटेंट सच एज माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट नेसेसरी फॉर नेटफ्लिक्स मूवीज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स मूवीज के लिए आपको क्या, आपको जरूरत पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट की जरूरत पड़ेगी नेटफ्लिक्स मूवीज के लिए। हाउ एडवांस आर इंस्टॉल, कैसे हम इनको इंस्टॉल करेंगे, देर आर टू वेज इन विच एडवांस कैन बी इंस्टॉल्ड, थ्रू एन एक्सटर्नल इंस्टॉलर एंड थ्रू द ब्राउजर्स ओन एड ऑन सर्विस।
एड ऑन सर्विस इज द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ इंस्टॉलिंग एन एड ऑन विद द ब्राउजर्स सर्विस प्रोवाइडिंग ए रिलेटिव वेटिंग प्रोसेस फॉर द जनरल सेफ्टी ऑफ द एड ऑन. एक एग्जाम्पल इस पे दिया हुआ, आउटसाइड प्रोग्राम्स कैन ऑल्सो इंस्टॉल एड ऑन इन वेब ब्राउजर्स एज पार्ट ऑफ इट्स सेपरेट इंस्टॉलेशन प्रोसेस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर एग्जाम्पल may place an add-on which speed up the in-browser opening of the office document. अगर आपने कोई add-on क्या क्या हुआ है, install किया हुआ है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, remove भी कर सकते हो. कैसे आप remove करोगे, how to remove add-ons, some add-ons particularly the ones installed outside the browser create an entry in the programs portion of the control panel. These can be removed in the same way as we uninstall any other program. जैसे हम दूसरे control panel में जाके दूसरे program को uninstall करते हैं, उसी तरह से इसको आप क्या कर सकते हो, uninstall कर सकते हो. Many add-ons, however, can only be removed through the browser's add-on manager. कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सारे add-ons आपके ऐसे होते हैं जिनको browser's के add-managers में जाके, add-on manager में जाके आप क्या करोगे, उनको आप रिमूव कर सकते हो. प्लगइन्स, प्लगइन्स इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन एड ऑन टू ए वेब ब्राउजर एंड गिव्स द ब्राउजर एडिशनल फंक्शनलिटी. जैसे मैंने बोला हुआ है कि एड ऑन्स प्लगइन्स क्या करते हैं, आपके एडिशनल फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं ब्राउजर्स को. प्लगइन्स कैन अलाउ ए ब्राउजर्स टू डिस्प्ले एडिशनल कंटेंट इट वॉज नॉट ओरिजिनली डिजाइंड टू डिस्प्ले. कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लगइन्स को उनको इंस्टॉल करना पड़ता है. जैसे मान लो देयर इज एन एग्जांपल दिया गया है, एन एग्जांपल ऑफ प्लगइन इज द फ्री माइक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर. अगर कोई फ्लैश प्लेयर में आपकी फ्लैश फाइल है, कोई फ्लैश वीडियो है, तो उसको आप जनरल, अगर आपने प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है अपने ब्राउजर में, तो उस फाइल को आप फ्लैश वीडियो को ओपन नहीं कर पाओगे. अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो फ्लैश प्लेयर वीडियो आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. इज ए प्लगइन दैट अलाउज द वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले एनिमेशंस यूजिंग द फ्लैश फॉर्मेट. तो फ्लैश फॉर्मेट मीन्स फ्लैश, अगर कोई वीडियो है तो उसको क्या कर सकते हो, आप प्ले कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, अगर आपने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया हुआ है. तो ये आपके होते हैं कि एडवांस और प्लगइन्स क्या होते हैं, जो ब्राउजर्स के को एडिशनल फंक्शनलिटी क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं. मोस्ट प्लगइन्स आर अवेलेबल एज फ्री डाउनलोड्स. टू इंस्टॉल द प्लगइन वी विजिट द वेबसाइट ऑफ द प्लगइन्स डेवलपर एंड क्लिक ऑन ए लिंक दैट विल डाउनलोड एंड इंस्टॉलर ऑन टू अवर सिस्टम. वी कैन सेव द इंस्टॉलर to an easy to find location such as the desktop or a specific folder we have created to organize all of our downloads. Now students, what is the difference between add-ons and plugins? Plugins is a computer complete program, whereas add-ons is not a program. For example, Flash, a plugin made by Adobe, is required to play a video in Flash Player. Also, Java is a plugin made by Sun Microsystem, which is used to run programs based on Java. जैसे मान लीजिए आपका एक example और दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए PDF file को आपको क्या करना, open करना है, उसके लिए आपका क्या है, आपका Adobe Reader sorry student, Adobe Reader क्या करना पड़ेगा आपको, इंस्टॉल करोगे तभी पीडीएफ फाइल क्या होगी आपकी, इंस्टॉल होगी. प्लगइन्स आर नॉट बाउंड टू ब्राउजर्स ओनली. प्लगइन्स जो होते हैं केवल ब्राउजर्स के लिए नहीं होते. फ्लैश कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स टू प्ले फ्लैश फाइल्स. सिमिलरली जावा कैन बी इंस्टॉल्ड टू रन जावा फाइल्स. तो ये आपके जो प्लगइन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल ब्राउजर्स के लिए आपके होते हैं, लेकिन जो एडवांस होते हैं आपके, ऑन द अदर हैंड एंड एड ऑन इज नॉट ए complete program, it is used to add a particular functionality to a browser. If you want to install an add-on,
ऑन ए डिफरेंट वर्किंग एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल WER ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कैन नॉट डू इट, दस एडवांस हैव ए सर्टेन लिमिट विद कॉम्पैटिबल एप्लीकेशन ओनली. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर एड ऑन एक्सटेंशन एंड प्लग इन्स एंड डिफरेंस बिटवीन एडवांस एंड plugins. Now students, we come to your next topic. Your next topic is your cookies. What are the cookies? Cookies hoti kya? Cookies ye to wo bana hua hai na, ye biscuit nahi hota aapka. Aap soch rahe ho cookies biscuit hote hain, biscuit ki tarah ye design kiya hua unhone. Cookies dekhiye hoti kya hai, discuss karte hain hum log iske bare mein, kya hota hai aapka कुकीज. तो कुकीज आर स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल्स ऑन ए ब्राउजर. ब्राउजर में क्या होती है, एक फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल होती है जो ब्राउजर में क्या हो जाती है, आपकी स्टोर्ड होती है. वेबसाइट यूज दो स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स एंड इनेबल यूजर्स स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. और जो कुकीज जो होती है भाई, कोई वेबसाइट आपको ओपन करना है तो किसी ब्राउजर के थ्रू ही आप क्या कर पाओगे, इसको ओपन कर पाओगे. तो अगर आप कोई वेबसाइट मान लीजिए कुकीज इनेबल्ड होती है, कुछ वेबसाइट आपकी कुकीज इनेबल्ड नहीं होती, तो अगर वो कुकीज आपके ब्राउजर में क्या होती है, आपकी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो वो क्या होती है, आप जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो आप कर रहे हो, देख रहे हो, वो पूरा ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन आपकी क्या करती है, पूरा आपकी इंफॉर्मेशन वो उस टेक्स्ट फाइल में क्या हो जाती है, आपकी स्टोर्ड हो जाती है. मतलब आपने क्या क्या चीज सर्च किया, क्या क्या चीज आपने देखा, पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आपकी स्टोर्ड हो जाएगी. तो कुकीज क्या होती है, आपकी कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स ऑन ए ब्राउजर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट फाइल. कहाँ स्टोर्ड होगी, आपकी ब्राउजर में. व्हाट इज इन ए कुकी, ईच कुकी इज इफेक्टिवली ए स्मॉल लुकअप टेबल कंटेनिंग पेयर्स ऑफ की और डेटा वैल्यूज. वंस द कुकी हैज बीन रीड बाय द कोड ऑन द सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर, द डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड यूज टू कस्टमाइज द वेब पेज एप्रोप्रिएटली. सपोज वी वॉन्ट टू हैव ए काउंटर फॉर ए वेब पेज टू एक्सेस इट 3 times ओनली. This value can be stored over the user's computer. At first attempt, it will be 1, then 2 and 3. But for the next attempt, the server will not allow to access that page. When the cookie is created, writing data to a cookie is usually done when a new web page is loaded with code to create cookies. Why are cookies used? Cookies are the easiest way to carry information from one session on a website to another or between session or related websites without having to burden a server machine with massive amounts of data storage. Storing data on the server without using cookies would also be problematic because it would be difficult to retrieve a particular user's information without requiring a login on each visit to the website. How long does a cookie last? The time of expiry of a cookie can be set through using server side scripting language when the cookie is created. By default, the cookie is destroyed when the current browser window is closed, but it can be made to persist for an arbitrary length of time after that. How secure are cookies? Cookies are not a threat to privacy since they can only be used to store information that the users has volunteered on that the web server already use. तो cookies students actual में होती क्या है कि आप एक text file आप बोल सकते हो जो आपकी stored हो जाती है आपकी कहाँ, आपके browser में. तो वो जो website, अगर कोई cookies enabled website है तो वो आपकी क्या करेगी, वेबसाइट वो आपकी कुकी आपकी स्टोर कर देगी आपकी साइट पे और ब्राउजर पे आपकी स्टोर कर देगी, और वो
आपने क्या क्या चीज आपने किसी वेबसाइट पे एक्सेस किया, पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगी आपकी, देखेगी। और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि जब मान लीजिए कोई साइट आप ओपन करते हैं, अगर वो कुकीज इनेबल वेबसाइट है, तो वो एक एडवांटेज इसका ये भी होता है कि मोस्टली जो चीज आपने देखी हुई है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने ओपन किया, मान लीजिए आपने किया अमेजोन है, तो अमेजोन में मान लीजिए कोई सर्च किया आपने कोई चीज, और नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, फिर आपने सर्च किया तो उस वो जनरली जो आइटम्स आपने ज्यादा देखे होंगे या सर्च किए होंगे, पहले उन आइटम्स को क्या करता है, आपका डिस्प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कुकी। सो स्टूडेंट्स, योर यूनिट नंबर 3 इज कंप्लीटेड। योर यूनिट नंबर 3, कंप्यूटर नेटवर्क इज कंप्लीटेड। आई वंस अगेन, सो योर यूनिट नंबर 3, दिस इज योर यूनिट 3, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड 10 मार्क्स ऑफ फ्रॉम दिस यूनिट कम्स इन बोर्ड। सी ईयर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से आपका आएगा। थ्योरेटिकल है, कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है आपका। आप इसको क्या करिएगा, लिखिएगा और अपने क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइएगा ताकि एग्जाम के टाइम में आपको इजी रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।